हे गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, रियल लाइफ विद बबीता में। तो गाइस, मैंने आज लंच में क्या बनाया था, तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सी रेसिपी बनाई थी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और बताना आप लोग कैसे हो, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो फुल वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब मैंने कौन सी रेसिपी बनाई है आज। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आएगा मेरा पुलाव। तो चलिए चलते हैं किचन में, मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने आज आलू गोभी की सब्जी बनाई हुई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी, और ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए, और देखो कितना अच्छा कलर और एकदम यम्मी दिख रही है ना। तो चलिए बनाने की तैयारी करती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो ये देखिए गाइस, मैंने आलू और गोभी को कट कर लिया है पहले ही, और थोड़ी सी मटर ले ली थी इसी में, वो बट वो नीचे है, आपको जब मैं डालूँगी तब दिखा दूँगी। और मैंने ये धो के अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये देखिए, दो कलियाँ लहसुन की ली थी, और एक छोटी सी प्याज, और एक टमाटर वो ले लिया है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाओगे, मतलब वो सब्ज़ी एकदम मस्त बनने वाली है ये, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो मैंने खाई थी और मतलब बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें ऑयल डाल देती हूँ मैं अभी। और मैंने ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। थोड़े से गर्म होने देंगे, फिर डालेंगे इसमें हींग जीरा। तो ये देखिए गाइस, और एक तेज़पात पत्ता डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ी सी हींग। और जो मैंने प्याज कट के करके रखी थी वो भी डाल दिए, और इसको ना मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी, एक मतलब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया इसमें, और टमाटर को मतलब ज़्यादा मैसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रहने देना है, अगर आप लोग ट्राई करो तो। और ये जो मैंने सब्ज़ी कट कर रखी थी, ये देखिए, मैंने मटर थोड़ी सी, एक मुट्ठी मटर ली थी। तो ये देखिए, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी अभी, और इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है अभी, मैं इसको तेल में ही भून लूँगी थोड़ी देर पहले। तो ये देखिए, और इसको थोड़ा सा मतलब भूनना है, और अभी इसमें पानी भी ऐड नहीं करना और मसाले भी नहीं डालना है। तो चलिए, और इसको मैं थोड़ी देर बाद रखने के बाद फिर इसमें सबसे पहले मैं नमक डालूँगी इसमें, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और नमक तो पहले डाल दिया था, और ये सब डाल देना है, हल्दी वगैरह। तो चलिए, और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर चलाते रहना है थोड़ी देर। ये देखिए, नीचे गिर गई मुझसे अभी। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, और अभी भी इसमें पानी ऐड नहीं करना, पहले हमको देख लेना है इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। तो चलिए, मैं अब इसको ऐसी थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसके बाद मैं चेक करूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं इसको चेक करती हूँ इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। तो अभी इसमें मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, बट आप लोग बगैर पानी के भी इसको बन जाती, लेकिन मुझे थोड़ी सी गीली गीली सी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा सूखी ना ज़्यादा गीली। तो ये देखिए, मैं इसमें इतना पानी डाल दे रही हूँ, आधा कटोरी। तो ये देखिए, अब मैं इसको ढक दूँगी, बनने दूँगी इसको मैं।
तो ये देखिए मैंने ढक दिया है, और फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद चेक कर रही हूँ कि अभी बनी है कि नहीं। मतलब आलू तो बहुत जल्दी से हो जाता है, तो आलू तो हो ही गया, और अभी इसमें सब्जी बनी नहीं है, अभी कच्ची है, आधी कच्ची है, अभी आधी से भी ज़्यादा। तो ये देखिए गाइस, लगभग सब्जी मेरी बन चुकी है, और इसमें मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ अब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लग रही है ना ये अम्मी एकदम, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी सब्जी। और इसको मैं निकाल लेती हूँ अभी दूसरे बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना मतलब काली हो जाती है रख देते हैं, तो इसीलिए मैं इसको साथ ही निकाल देती हूँ। तो ये देखिए गाइस मेरी सब्जी एकदम कितनी यम्मी दिख रही है, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप लोग इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, एकदम मस्त बनी है रेसिपी, मैं आपको बता रही हूँ, मस्त एकदम यम्मी। तो चलिए गाइस अब मैं रोटी बना लेती हूँ फिर, क्योंकि बच्चों को मैं पहले ही खिला देती हूँ, हम लोग बाद में खाते, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है ना इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रोटी बना ले रही हूँ, तो ये देखिए, और पहले बच्चों को दे दूंगी मैं। वही ऐसे मतलब रोटी मैंने थोड़ा सा हॉल हो गया था, तो उसकी वजह से ये फूली नहीं। ये देखिए, ये देखो अब हॉल हो गया छोटा सा, तो उसकी वजह से ये फूली नहीं, आधी फूली। कोई नहीं, कभी कभी तो हो जाता है। तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ फॉल हो रहा है रोटी में। तो चलिए मैं दूसरी भी ऐसे ही सेक लूँगी। तो ये देखिए गैस, ये रोटी मेरी कितने अच्छे से फूल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस खाना मेरा बन चुका है, तो अब हम लोग लगा लेते हैं खाना अपना। तो ये देखिए गाइस खाना मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा खीरा ले लिया है, और दो चपाती, और एक कटोरी सब्जी। तो चलिए खाते हैं अब। मैंने आज दाल नहीं बनाई थी, और दूसरे वाले फ़ोन पे ना फ़ोन आ रहा अभी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दूसरे वाले फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है।